हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांशों को बताने वाले हैं जो कि आपके 22 फरवरी को जरूर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, दो आपके सबसे महत्वपूर्ण पद यहाँ से देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और दो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांशों को बताने वाले हैं और आप इनको यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके 14 अंक यानी कि जो आपका गद्यांश होता है 7 नंबर का, पद्यांश भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके 14 अंक एक ही वीडियो में पक्का कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो आपका पहला जो आपका गद्यांश दिया है कि देखिए, धनोयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य उद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका गद्यांश है और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 में पूछा गया है, कितने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका गद्यांश है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। चलिए मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं फ्रेंड्स कि इसका जो आपका संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद कैसे करेंगे। देखिए, आपका दो सबसे महत्वपूर्ण यहां पे मैं आपको जो गद्यांश बताऊंगा इसमें से आपका एक जरूर आएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि दो आपका क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको एक आंसर देना रहेगा। तो देखिए, आपको कैसे लिखना है संदर्भ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए संस्कृत भाग को आपको क्या लिखना है, ब्लैक से लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, मैं संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए, पाठ का नाम जो है उसको भी आपको किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। तो देखिए, आपको सेम इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो आपका लास्ट में देखिए खत्म, यहाँ से देखिए जो खत्म हो रहा है वाग, यहाँ क्या दिया है, वाग्नावाख्याता महर्षि भी। तो देखिए, यहाँ पे आपको शुरू से आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ से आपको धनोयम भारत देश, यहाँ से लिखने के बाद से यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है, यहां तक। देखिए, मैं आपको कैसे बता दे रहा हूं, यहां पे आपको जो संदर्भ लिखे हैं इसके जस्ट ऊपर आपको लिख देना है, यहां पे आपको लिखना है और यहां से आपको डॉट 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 करके यहां से लास्ट वाला यहां पे जो आपका जो गद्यांश में दिया है उसको आपको लिख देना है। उसके बाद से यहां से आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आपको बता ही दिए कैसे लिखना है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, इसका अनुवाद क्या होगा, तो देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा, यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाले शब्द राशि, देखिए यहाँ पे शब्द राशि को जन्म देने वाली वाणी देववाणी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि गद्यांश जो आपका पूछेगा संस्कृत में, इसमें आपको पाठ के देखिए आपको लेखक का नाम नहीं लिखना रहता है, केवल आपको पाठ का नाम लिखना रहता है, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ देखिए, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ के चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि जो संस्कृत है इसी में आपके यहाँ पर देखिए महाभारत, रामायण, उसके बाद से ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद जो आपके होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो होते हैं, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है, यानी कि संस्कृत को देखिए आर्य भाषाओं में को जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी को अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। देखिए यहाँ पे संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी देवताओं की भाषा कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक यदि आप लिख देते हैं तो देखिए जो आपका यहाँ पे आपका जो गद्यांश दिया था पहला, 7 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट में दिया था फ्रेंड्स, क्या दिया था, संस्कृतम नाम देवी वाग्नावाख्याता महर्षि भी, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी देवताओं की भाषा कहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दूसरा जो आपके संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश है ये आपका देखिए फ्रेंड्स क्या है,
यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गदे पदे च लालित्यम। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है फ्रेंड्स दिव्या गिरवाण भारती इति। तो आपको यहाँ तक आपको क्या करना है कि जो आपका शुरू में देखिए यहाँ से आपको गद्यांश जो दिया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम इतना तक लिखने के बाद से आपको डॉट 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 लगाने के बाद से आपको यहाँ तक अंत कर देना। देखिए यहाँ पे आपको दिव्या गिरवाण भारती इति, उसके बाद से आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महोत्तम नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि ये भी आपका संस्कृत भाषाया महोत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए फ्रेंड्स अनुवाद में क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद देखिए संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद और पद में लालित्य सौंदर्य भावों का बोध है, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता कानों को प्रिय लगना है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं, दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या या द्वेष रहित होना क्षमा तथा अन्याय अनेक गुण इसके साहित्य की अनुशीलन अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास कवि कुलगुरु कालिदास भास भारवि भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थात अनेक उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं, यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य मधुर और दिव्य अलौकिक है। तो देखिए ये भी आप लिख देते हैं तो आपको 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके संस्कृत के 2 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, ठीक है। अब देखिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चलिए मैं आपको पद्यांश को बताने वाला हूँ। तो देखिए जो आपका पहला पद्यांश है पहला काव्य शास्त्र विनोदम कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्राय कलहेनवा, यानी कि यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा सबसे पहले तो यहाँ पे हम श्लोक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। अब देखिए संदर्भ में आपको कैसे लिखना है कि देखिए यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए यहाँ पे आपको संस्कृत भाग आपको ब्लैक से लिखना है, उसके बाद से पाठ का नाम आपको ब्लैक से लिखना है, सुभाषित रत्नानी आपको ब्लैक से लिखना है। उसके बाद से देखिए आपको अनुवाद में क्या लिखना है कि देखिए बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है, यानी कि काव्य शास्त्र यहाँ देखिए काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि देखिए बुद्धिमानों का जो समय होता है वो आपका काव्य और शास्त्रों की चर्चा में आनंद में बीतता है और मूर्खों का जो समय होता है बुरे शौकों में सोने में लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो यही इसका फ्रेंड्स आप अनुवाद में लिख देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जो आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुखार्थिनो कुत्तो विद्यार्थिनो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यानी कि देखिए सुखार्थिनो कुत्तो विद्या यानी सुख जो चाहता है उसको विद्या कहाँ, कुत्तो विद्यार्थिनो सुखम यानी कि जो आप देखिए विद्यार्थिनो सुख और जो विद्या चाहता है उसको सुख कहाँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इसका संदर्भ हो जाएगा कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे तो देखिए अनुवाद में क्या हो जाएगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहां, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम यानी कि इसका देखिए जो अर्थ हो जाएगा
देखिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जिसको आपको देखिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या की पर यहाँ पर देखिए विद्या प्राप्ति की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। तो यदि आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 14 अंक एक ही वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांशों को बता दिए हैं जो कि आपके 22 फरवरी को जरूर आएंगे। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।